हम बात कर रहे हैं ONGC की। अगर आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हमको छोटी मोटी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक ने 180 की लेवल से हमको लगातार अप ट्रेंड बताया है। यहाँ हायर हाई पैटर्न बनाते हुए हमको 202 तक के लेवल बताए हैं और 202 के लेवल से स्टॉक ने लिया है रिजेक्शन, और इस रिजेक्शन के बाद यहाँ हमको पैटर्न जो है वो लोअर लो देखने के लिए मिल रहा है। हमको पैटर्न की बात करें तो लो और लो ही देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है स्टॉक इस वक्त 190 का लेवल इसका एक तगड़े सपोर्ट का लेवल है। 190 का लेवल इससे पहले हमने देखा था कि इसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन ले रहा था, और जब 190 के लेवल को ब्रेकआउट किया था तो हमको बड़े टारगेट देखने के लिए मिले थे। स्टॉक इस वक्त गिरावट में है लेकिन 190 का लेवल इसका एक तगड़े सपोर्ट का लेवल है। तो अभी यहाँ हमको इंतज़ार करना है, छोटे मोटे जंप के साथ बुलिश नहीं होना है। स्टॉक को पहले 195 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने देना है। 194-195 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहले रेजिस्टेंस का काम करता था और बाद में फिर यहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। तो इसके 195 के लेवल के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर इसको ब्रेकआउट करता जाता है तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। इसी कंडीशन में हमको इसका हाई जो है 202 का लेवल वो भी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ जाएगा, और फिर इसका जो पैटर्न है वो भी हमको यहाँ अप ट्रेंड में बदलता हुआ नज़र आएगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 190 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर गया तो वैसे कंडीशन में हमको यहाँ बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगेन हमको इसमें 180 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अभी इंतज़ार कीजिए, अगर गिरावट आती है तो 180 पर पोजीशन बनाई जा सकती है, और अगर 195-194 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो वैसे कंडीशन में फिर वहाँ एंट्री ली जा सकती है 195 के ब्रेकआउट के बाद।